हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर भरत। आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। क्या आपको बहुत ही ज़्यादा बैक पेन होता है और यह पेन आपके पैरों में चला जाता है और आपके दोनों पैरों में बहुत ही खिंचाव जैसी फीलिंग आती है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बैक पेन होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, यानी कि जो हमारा पेल्विक होता है वह आगे की साइड टिल्ट हो जाता है और इनकी वजह से हमारा जो लंबर का लोडोटिक कर्व होता है वह हाइपर हो जाता है और फिर पीछे की साइड जो वर्टेब्री होती है वह एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में जाती है, वहाँ पर फ्रिक्शन पैदा होता है और वहाँ से जो नर्व्स निकलती है वह नर्व्स भी दबना शुरू हो जाती है और फिर हमारे दोनों पैरों में टिंगलिंग, नमनेस और वीकनेस की असर होती है, हमें बैक पेन होता है। इनके अलावा जो हमारा सेक्रम यानी कि टेलबोन होता है इनका भी अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, फिर इनके दोनों साइड पर जो सेक्रोइलियाक जॉइंट होता है वहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है, फिर आपको बटक पेन होता है, बैक पेन होता है और दोनों थाई में दर्द शुरू हो जाता है। तो इतने सारे कॉम्प्लिकेशन या एंटीरियर पेल्विक टिल्ट की वजह से होता है। तो ये एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता कैसे है, हमारे बैक के मसल और हमारे हिप के जो आगे के मसल होते हैं वह अगर टाइट हो जाते हैं और इनके अपोजिट ग्रुप के मसल यानी कि हमारे टमी के मसल और हमारे बटक के मसल वीक हो जाते हैं, तो इनकी वजह से हमारा जो पेल्विक होता है वह एंटीरियरली टिल्टेड हो जाता है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, दो स्टेप को फॉलो करना है। स्टेप वन में जो मसल टाइट हुए उनको हमें रिलीज करना है यानी कि स्ट्रेच करना है। स्टेप टू में जो मसल वीक हुए उनको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो आगे हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने स्टेप वन यानी कि जो मसल टाइट हुए उनको किस तरीके से स्ट्रेच करना है वह डिटेल में जान लिया था, तो वह वीडियो आप जरूर पहले देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम स्टेप टू यानी कि जो मसल वीक हुए उनको हमें किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाना है वह डिटेल में जानने वाले, तो इनको जान लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ है डॉक्टर डीनल। तो यह प्रोग्राम में हमारे टमी मसल और जो हमारे बटक के मसल है जिनको ग्लूटियल मसल बोला जाता है इनको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो इनके लिए सभी एक्सरसाइज हमें करनी है। तो यहाँ पर जो हमें पहली एक्सरसाइज करनी है इनके लिए दोनों लेग को बेंड कर देना है, इनके बाद दोनों हाथ को हमारे कमर के नीचे इस तरीके से रखना है ताकि मिडल फिंगर कॉन्टेक्ट में रहे, इनके बाद फिर कमर को हमारे हाथ के ऊपर दबाना है, इस तरीके से दबाना है ताकि हमारे टमी मसल टाइट हो और पेल्विक थोड़ा सा ऊपर उठना चाहिए। 10 काउंट होल्ड, फिर रिलैक्स कर दीजिए, वापस से कमर को हाथ के ऊपर दबाइए, टमी को स्ट्रॉन्ग बनाइए, हिप थोड़ा सा ऊपर उठेगा, 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ दीजिए। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद की दूसरी एक्सरसाइज में हमें बड़ा पिलो हमारे दोनों लेग के बीच में इस तरीके से रखना है, इनके बाद दोनों लेग से पिलो को दबाना है, दबाइए अच्छी तरीके से दबाइए, 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ दीजिए, वापस से दबाइए, 10 काउंट होल्ड, इनके बाद छोड़ देना है। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद की तीसरी एक्सरसाइज के लिए हमें स्मॉल साइज का पिलो लेना है, इनके ऊपर हमारे दोनों लेग की हील को इस तरीके से रख देना है, फिर पंजे को सामने लेना है और हील को नीचे दबा के हमारे जो बटक मसल है उनको अच्छी तरीके से टाइट करना है, स्क्वीज करना है, 10 काउंट होल्ड, इनके बाद रिलैक्स कर दीजिए, पंजे को सामने लीजिए, हील को दबाइए, बटक मसल को टाइट करिए, 10 काउंट होल्ड, छोड़ दीजिए। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद की एक्सरसाइज के लिए दोनों पैर को सीधा ही रखना है, जोड़ देना है, फिर पंजे को खींचना है, दोनों हाथ के फिंगर लॉक कर देना है, फिर हाथ को सीधा करके फुट की डायरेक्शन में लेना है, इनके बाद फिर हमारी अपर बॉडी को और नेक को इस तरीके से ऊपर उठाना है। शुरुआत में आप स्ट्रेंथ अगर आपकी कम है तो आप सिर्फ नेक को इस तरीके से उठा सकते हो, यहाँ पर आपको 10 काउंट होल्ड करना है, फिर नीचे लाना है। जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होते जाए वैसे वैसे आपको अपर बॉडी को इस तरीके से ऊपर उठाना है, जो आपका शोल्डर ब्लेड होता है वह ऊपर उठना चाहिए, 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ देना है। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद सेम पोजीशन में हमें एक साइड पर ऑब्लिक डायरेक्शन में हाथ को ले जाना है, जो राइट साइड की शोल्डर ब्लेड होती है वह इस तरीके से ऊपर उठनी चाहिए, 10 काउंट होल्ड, फिर नीचे रख दीजिए। इस तरीके से दूसरी साइड भी हमें हाथ को ले जाना है ऑब्लिक डायरेक्शन में, अपोजिट साइड का जो शोल्डर ब्लेड होता है वह ऊपर उठना चाहिए, 10 काउंट होल्ड करना है, फिर नीचे लाना है। इस तरीके से दोनों साइड मिलाकर हमें 10 रिपीटेशन करना है। तो यह एक्सरसाइज करके आप अपने जो रेक्टस एब्डोमिनल मसल और जो साइड के ऑब्लिक मसल होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। इनके बाद की एक्सरसाइज के लिए हमें एक साइड पर टर्न हो जाना है, दोनों लेग को ऐसे सीधा रखना है ताकि हमारी
पूरी बॉडी एक लाइन में हो जाए। इनके बाद नीचे वाले लेग को बेंड करना है, पंजे को खींचिए, नी को टाइट करिए, फिर लेग को ऊपर उठाइए। आपकी जो अपर बॉडी है वह न्यूट्रल होनी चाहिए, ऊपर लाके 10 काउंट होल्ड करना है, फिर नीचे लाना है। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। यह एक्सरसाइज दोनों साइड पर हमें कर लेनी है। इनके बाद की एक्सरसाइज के लिए हमें उल्टा लेट जाना है, जो बेड होती है बेड के एज पर आपको आ जाना है, फिर आपको जो यह बाहर का लेग है उनको नीचे लाना है। इस तरीके से नीचे लाइए, फिर पंजे को बाहर लेना है, नी को टाइट करके लेग को इस तरीके से ऊपर उठाना है। यहाँ पर आपको खास ध्यान में रखना है कि पूरा स्ट्रेन आपके बटक मसल के ऊपर आना चाहिए, कमर के मसल जरा भी एक्टिव नहीं होने चाहिए, वह खास ध्यान में रखना है। पंजे को बाहर लेना है, फिर नी को टाइट करके इस तरीके से ऊपर उठाना है, कमर को एकदम रिलैक्स रखना है। इस तरीके से 10 रिपीटेशन करना है, दोनों साइड पर हमें यह एक्सरसाइज कर लेनी है। इनके बाद की एक्सरसाइज के लिए हमें इस तरीके का रेजिस्टेंस बेल्ट का इस्तेमाल करना है, इनका ऐसे लूप बना लेना है, फिर हमारे थाई के ऊपर इनको पहन लेना है। इस तरीके से इनको पहन लेना है, फिर हमें एक साइड पर घूम जाना है, नी में से लेग को बेंड करना है और हीप में से थोड़ा लेग को आगे लेना है। यहाँ पर आपकी अपर बॉडी स्ट्रेट रहनी चाहिए और दोनों फुट आपके हीप के लाइन में होने चाहिए। इनके बाद नीचे वाले लेग को स्टेबल रखना है और ऊपर वाले लेग को इस तरीके से ऊपर उठाना है। यहाँ पर भी आपकी कमर घूमनी नहीं चाहिए, हाथ का आगे सपोर्ट रखना है, दोनों फुट आपके जुड़े हुए रहने चाहिए। 10 काउंट होल्ड करना है के बाद नीचे लाना है, वापस से ऊपर उठाइए, 10 काउंट होल्ड, नीचे। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। दूसरी साइड भी हमें यह एक्सरसाइज कर लेनी है। इनके बाद की एक्सरसाइज में हमें ब्रिज करना है, यानी कि बैक लिफ्ट करना है। यहाँ पर पहले हमें फ्लोर सपोर्ट ब्रिज करना है, इनके बाद वॉल सपोर्ट ब्रिज करना है। तो यहाँ पर दोनों लेग को बेंड करना है, कितना बेंड करना है, मिडल फिंगर आपके हील को टच हो जाए वहाँ तक बेंड करना है, 2 फुट के बीच में थोड़ा सा गैप रखना है, के बाद फिर हमारे पेल्विक को इस तरीके से ऊपर उठाना है। यहाँ पर खास ध्यान में रखना है कि आपकी कमर इस तरीके से पीछे मुड़नी नहीं चाहिए, वह खास ध्यान में रखना है। अगर कमर पीछे मुड़ रही है तो थोड़ा सा आप इनको नीचे भी ले सकते हो। 10 काउंट होल्ड करना है, फिर इनको छोड़ देना है। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद फिर हमें वॉल सपोर्ट ब्रिज करना है, तो इनको जान लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से दोनों फुट को हमारे दीवार के ऊपर रख देना है, ताकि यहाँ पर नी और हीप जॉइंट के आगे 90 एंगल फॉर्म होना चाहिए। इस तरीके से पोजीशन 90-90 पोजीशन लेनी है। फिर आपकी कमर को ऊपर उठाना है, थोड़ा सा ही कमर को ऊपर उठाना है, ताकि जो हमारा लंबर रीजन है वहाँ पर इस तरीके से बेंडिंग पोजीशन आएगी और हमारा जो पेल्विक है वह ऊपर उठेगा। यहाँ पर आके फिर 10 काउंट होल्ड करना है, के बाद नीचे लाइए, वापस से करना है, पेल्विक को लिफ्ट करना है, कमर नीचे रहेगी, आपकी जो अपर बॉडी है वह ज़मीन पर ही रहनी चाहिए। 10 काउंट होल्ड करके फिर नीचे लाना है। तो इस तरीके से हमें यह सभी एक्सरसाइज को करना है। तो ये सभी एक्सरसाइज को रिकैप कर लेते हैं। जो पहली एक्सरसाइज है, इनके लिए दोनों लेग को बेंड करना है, फिर कमर के नीचे दोनों हाथ को इस तरीके से रख देना है, फिर हाथ के ऊपर दबाव देना है, टमी मसल को टाइट करना है, पेल्विक थोड़ा सा लिफ्ट होगा। इनके बाद की दूसरी एक्सरसाइज के लिए हमें दो लेग के बीच में पिलो रखना है, पिलो को दबाना है, इनके बाद छोड़ देना है। तीसरी एक्सरसाइज में हमें स्मॉल साइज का पिलो लेना है, हील के नीचे इनको रख देना है, पंजे को सामने लीजिए, हील को दबाइए, बटक मसल को टाइट करिए। इनके बाद की एक्सरसाइज के लिए हमें दोनों लेग को सीधा रखना है, इनके बाद फिंगर लॉक कर देना है, हाथ को सीधा करके फुट की डायरेक्शन में लेना है, फुट को खींच के रखना है, फिर अपर बॉडी को इस तरीके से ऊपर उठाना है, इनके बाद फिर नीचे, फिर ऑब्लिक डायरेक्शन में अपर बॉडी को उठाना है, फिर दूसरी साइड अपर बॉडी को उठाइए, हाँ, इनके बाद फिर हमें एक साइड पर घूम जाना है, नीचे वाले पैर को बेंड करना है, ऊपर वाले पैर को सीधा, पंजे को खींचना है और फिर लेग को ऊपर उठाना है। इनके बाद की एक्सरसाइज के लिए हमें उल्टा लेट जाना है, बेड की एज पर आना है, फिर यह वाले लेग को बाहर निकाल दीजिए, पंजे को बाहर लाइए, नी को टाइट करके लेग को इस तरीके से ऊपर उठाना है। आपके जो कमर के मसल है वह एक्टिव नहीं होने चाहिए। के बाद की एक्सरसाइज में हमें इस तरीके का रेजिस्टेंस बेल्ट का इस्तेमाल करना है, इनको पहन लेना है, थाई के ऊपर पहनना है इस तरीके से, फिर एक साइड पर घूम जाना है, दोनों लेग को बेंड करना है हीप में से और नी में से, फिर नीचे वाले लेग को स्टेबल करके ऊपर वाले लेग को इस तरीके से ऊपर उठाना है। इनके बाद की एक्सरसाइज में हमें
दो तरीके से ब्रिज करना है, एक फ्लोर सपोर्ट और एक वॉल सपोर्ट। दोनों लेग को बेंड करना है, मिडिल फिंगर हील को टच होनी चाहिए, 2 फुट के बीच में गैप रखना है, फिर कमर को ऊपर उठाना है, इनके बाद नीचे रख देना है, फिर आपको वॉल सपोर्ट ब्रिज करना है। दोनों फुट को दीवार के ऊपर रख देना है। यहाँ पर नी और हिप जॉइंट के आगे 90 एंगल फॉर्म होना चाहिए। फिर इस तरीके से पेल्विक को लिफ्ट करना है, आपकी अपर बॉडी नीचे रहेगी, पूरा ऊपर नहीं आना है। इस तरीके से हमें यह सभी एक्सरसाइज को करना है। तो इस तरीके से आप ये सभी एक्सरसाइज को करके एंटीरियर पेल्विक टिल्ट को करेक्ट करके बैक पेन से छुटकारा पा सकते हो। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।